जय श्री राम। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ब्लॉग दशहरा महोत्सव के ऊपर है और हमारे कॉलोनी यश विहार में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसी को मैंने इस ब्लॉग में दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। दशहरा महोत्सव में शामिल जितने भी बाल कलाकार हैं, ये हमारे कॉलोनी के ही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको क्षितिपाल अंकल जी ने बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है। और हमारे भैया जो पहले छोटे थे तो वो सभी कैरेक्टर को निभाते थे और बड़े हुए तो वे अब छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो उनके बहुत मेहनत से आज दशहरा महोत्सव को बहुत ही आनंदपूर्वक सभी दर्शक इंजॉय किए हैं। आई होप आप भी इसे इंजॉय करेंगे। प्लीज़ इसे देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे यश विहार में इसे कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। पटाखे से आप बिल्कुल भी अंदाज़ा लगाएं, रावण जलाया जा चुका है, ये भगवान रामचंद्र जी की सेना की स्वागत के थोड़ा सा सतर्क हो जाए उसी पटाखे की। पाल साहू जी पूरे टीम को लेते हुए और एक तेज रोशनी के साथ में राम लक्ष्मण दोनों भाई एक मधुर देव विभीषण और गदाधारी हनुमान जी रावण अपने देखिए रावण अपने अभिमान में डूबा हुआ है कि मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ताकतवर और अद्भुत आकार का है ये रावण। जय किनारा रावण ताकि मेरा आदेश ध्यान से सुनो। जिन लोगों को रही भूमि छोड़ के जाना है वो लोग चले जाए, पर युद्ध के समय जो रही भूमि छोड़ कर जाएगा वो मेरे हाथों मारे जाएगा। सरकार उपेंद्र वाला मार क्या होगा? देखिए रावण और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध चल रहा है।
परिवार माता जी के आशीर्वाद पाते पाते भगवान राम का भी आशीर्वाद का प्राप्त हो। बोल लखन श्री राम की।